मैं उनके साथ आए मेहमानों से प्रार्थना करता हूँ कि वो रामलीला कमेटी से जो प्रबंध किया गया उसका सहयोग करें, हमारा सहयोग करें। ये आप हमारे कर्तव्य बनता है। एक मिनट प्रधान जी, मैं सर बनता हूँ। अरे हमारे प्राचीन रामलीला कमेटी के प्रधान प्रधान जी आजाद दीवान जी से स्वागत करें और पटके से सम्मान करें। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी से प्रार्थना है प्रधान जी, रामलीला श्रीमती गीता माता जी का भी मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहन जी का वंदन करता हूँ। उनके साथ आए हुए बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी और इस क्षेत्र के अनेक प्रकार के वस्ती बदलनी तो मेरे सामने है बादली से, मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर रामलीला कमेटी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सामने जिसका श्रेय शासन करने पर उन्हें भाग थे, अष्टमी के अवसर पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, यहाँ पर उपस्थित सभी कलाकार बहुओं, सबसे पहले दशहरे के पवित्र पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों सागर खेड़ का यूट्यूब चैनल में आपका, मैं दिनेश देशवाल। आज आए हम झज्जर में पुरानी रामलीला मैदान में खड़े हैं। रामलीला में देखो रावण का दहन किया जा रहा है, इधर दिखा रहे हैं आपको झज्जर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शुभकामनाएं देते हैं सभी देशवासियों को। गीता मुखर्जी, कुलदीप बच्ची और हम मिलके आज यहाँ झज्जर से सभी देशवासियों को विजयदशमी के इस त्यौहार की, धर्म की अधर्म पे जीत, सत्य की असत्य पे जीत, इसकी शुभकामनाएं। और अब दिवाली तक का सफ़र शुरू होगा तो दिवाली की भी एडवांस में ढेरों देशवासियों को शुभकामनाएं। ये दिवाली हमारे झज्जर के लिए, हमारे हरियाणा के लिए और देश के लिए बहुत शुभ हो, ढेरों खुशियाँ लेके आए हर परिवार में, खुशियों खुशियाँ पहुँचे, ऐसी हमारी भावना। आओ माता जी, बुरे हैं ना। हाँ जी नमस्कार जी। तो कैसा रहा प्रोग्राम आज का? जैसी श्री राम भक्तों की भावना थी उससे कहीं ज्यादा सुंदर भव्य है, उनकी इच्छा वैसे कई गुना बढ़ के राम। भीड़ ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है, हमने देखे कई गुना, तो बाहर खड़ी थी, एक किलोमीटर इधर एक किलोमीटर इधर। और ये तो कल रात से ही मेला चला हुआ था, वो दुर्गा जी की झांकी निकल रही थी, 2 बजे तक यहाँ मेले लगा ही रहा बाजार, और सुबह 9 बजे स्टार्ट हो गया था। हमने बच्चों को लेके आके यहाँ रावण जी के चरण, राम जी
ये श्री रामचंद्र जी का रोल निभाया, इन्होंने राम जी आ गए हमारे पास, इधर यहाँ जाओ यहाँ हो, तो बहुत अच्छा रोल लगा हमने राम जी का भी। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा है हमको, हम तो ये चाहते हैं और फिर दोबारा से आए हम। अच्छा, हम लोग सभी लोग। प्रदीप जी नमस्कार, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आपने जो है ना कोऑपरेट किया और बड़े हिसाब के साथ, इतनी भीड़ होते हुए भी जो है ना बहुत अच्छा आपने अपना प्रोग्राम रखा, आपका बार बार बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब से बात करते हैं, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। बड़े खुश नज़र आ रहे हो आज भीड़ को देख के आप, मेरे ख्याल में। नहीं, भीड़ को देख के मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि लाखों की भीड़ होने के बाद भी निर्विघ्न बड़ी हर्षोल्लास से और ये प्रोग्राम संपन्न हुआ, इस बात की खुशी है। और उसमें आप जैसों के लिए आप बहुत बहुत हम हृदय से आपका अभिनंदन आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपनी न्यूज से पब्लिक में राम की चर्चाओं का, राम के चरित्रण का और रिपोर्ट पेश करते रहे, इससे लोग बागों में और भी ज़्यादा उत्साह बढ़ता रहा और उसी उत्साह से वो और भी ज़्यादा संख्या में आए और निर्विघ्न ये काम हुआ है, हमें इस बात की बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये युवा लड़के कुछ बता रहे हैं यहाँ के बारे में, बता भाई। ये देखो सर, बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, हर बार आते देखने के लिए से तो बहुत ही अच्छा लगता है, इतनी भीड़ और जो खुशी और उल्लास के साथ यहाँ पर होता है जो रावण का दहन, ये बहुत ही अच्छा लगता है इसको, जो हम हर साल देखने आते हैं, थोड़ा लेट पहुँचे इस पे, इस प्रोग्राम में थोड़ा लेट थे। कोई नहीं, अगली बार जल्दी आना भाई। और इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हरियाणा।